उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी जान चली गई, जो बेहद दुखद है। रमन कश्यप नाम के इस पत्रकार को जनपद गाजियाबाद में श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल मार्च भी निकाला गया। हाथों में कैंडल लेकर मार्च कर रहे ये गाजियाबाद के कश्यप समाज के लोग हैं, जो दिवंगत पत्रकार को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इन लोगों की यूपी सरकार से मांग है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार को 1 सदस्य की सरकारी नौकरी देने की अपील कर रहे हैं। यह कैंडल मार्च आर्य नगर स्थित फवारा चौक पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाते नजर आए। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आज हम जो लखीमपुर खीरी के कांड में पत्रकार रमन कश्यप जी की मृत्यु हुई है, उसे लेकर हमारे समाज में बहुत आक्रोश है। और ना कि सिर्फ हमारे कश्यप समाज में, पत्रकारों के समाज में भी बहुत बड़ा आक्रोश है। यदि किसी कवरेज करते हुए पत्रकार की मृत्यु इस तरह हो जाती है और उस पर शासन और प्रशासन उसे इग्नोर करना चाहता है या उस पर ध्यान नहीं देना चाहता, तो ये एक पत्रकार बंधुओं के लिए और पूरे कश्यप समाज के लिए और पूरे एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और साथ ही हमारा पूरा कश्यप समाज, और हम तो ये चाहते हैं कि पत्रकार लोग भी हमारे साथ हों। जो रमन कश्यप जी की उसमें मृत्यु हुई है उस कांड में, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा, उनके परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जबकि उनके इस दर्द को नहीं भर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ उनके जख्मों पे, उनके परिवार के जख्मों पे इससे मरहम लगने का तो काम कम से कम होगा ही, ये हम चाहते हैं। और मैं पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा एक पत्रकार साथी का जो है, जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है, पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार साथी अपनी आवाज़ में आवाज़ पूरे पत्रकार भाई के साथ मिलाएं। मैं सभी पत्रकार भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वो सब खुलकर मैदान में आए और हमारे पत्रकार रमन कश्यप जी का सपोर्ट करें। रमन कश्यप हमारे, 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 रमन कश्यप। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।